स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं हूं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। हर कोई चाहता है कि उनकी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे एकदम अच्छी अच्छी फोटोज जाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, लोग अप्रिशिएट करें फोटो की कि भाई वाह क्या शानदार फोटो है, नाइस पिक डियर, भाई एकदम किलर लुक है। तो ऐसे कमेंट्स के लिए ना अच्छी फोटो होना बहुत जरूरी है, और अच्छी फोटो में उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक अच्छी एडिटिंग बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 3 ऐप्स, टॉप 3 ऐप्स जिनसे आप प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग अपने स्मार्टफोन एंड्रॉयड डिवाइस में कर सकते हो और इंस्टाग्राम को एकदम किल कर सकते हो। पहला जो ऐप है वो है अडोब का Lightroom मोबाइल ऐप। ये ऐप क्वालिटी में सुपर्ब है, मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ और ये एकदम मेरे हिसाब से ना, अगर मुझसे कोई कहेगी इसको रैंक करें तो ये रैंक फर्स्ट पे जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्वालिटी देखनी होती है फोटो की। तो ये जो फोटो क्वालिटी रेंडर करता है ना वो एग्जैक्ट सेम साइज होता है, लगभग उसका सेम साइज होता है, कंप्रेस नहीं करता बाकी ऐप की तरह। इसमें आपको एक्सपोजर और कलर के लिए बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको बैकग्राउंड कटिंग वाला और ये सब ऑप्शन, फोटोशॉप के ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन आप टील एंड ऑरेंज, मूडी ऑरेंज, मूडी ब्राउन, ये सब थीम है ना, Lightroom से एडिट कर सकते हो और बहुत अच्छी फोटो एडिट कर सकते हो अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी इसी ऐप का यूज करते हैं, Lightroom CC मोबाइल ऐप। इसमें जो आपके DNG फाइल वाले प्रीसेट होते हैं सेलिब्रिटीज की, मेरा फेवरेट है जॉनी एडलिन। मान लो कि मैं जॉनी एडलिन का प्रीसेट अपनी फोटो पे लगाना चाहता हूँ तो मैं इस एंड्रॉयड डिवाइस वाले ऐप से ही चीज कर सकता हूँ। मुझे कंप्यूटर खोल कर Lightroom में वो प्रीसेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं मोबाइल पर ये काम बड़े आराम से कर सकता हूँ, तो Lightroom टॉप पे है। दूसरा नंबर आता है गूगल की तरफ से दिए गए ऐप Snapseed का। अगेन ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, रेंडर साइज थोड़ा सा कम होता है Lightroom के मुकाबले, लेकिन अगेन बाकी ऐप से काफी बेटर है। इसमें भी आपको एक्सपोजर, लाइट और ये ऐसे बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, तो Snapseed सेकेंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पर आता है गरीबों का फोटोशॉप, या कहें सस्ता फोटोशॉप। बेइज्जती होगी ना थोड़ी ऐप की, लेकिन ये बेइज्जती करने वाला ऐप है नहीं, बहुत ही जुगाड़ू ऐप है। मतलब फोटोशॉप के जो मेन टूल्स है ना वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो रेंडर करता है फोटो क्वालिटी उसकी साइज थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी ज्यादा ही कम हो जाती है, लेकिन अगेन इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कई जो यूट्यूबर हैं जिनके पास लैपटॉप या फिर PC नहीं है तो वो मोबाइल ऐप पर वीडियो एडिटिंग तो करते ही करते हैं, थंबनेल भी इस ऐप से क्रिएट की जा सकती है और वो भी ठीक ठाक। तो PicsArt आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ना शॉर्ट में बता दिया है टॉप 3 ऐप फोटो एडिटिंग के लिए। मैं इनकी जो डिटेल्ड वीडियो है एक एक करके कि किस ऐप में कैसे एडिटिंग की जाए ताकि आप एकदम मॉडल लगो, इंस्टाग्राम को किल कर दो सारे गेम को, तो वो वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं आपको, नंबर 1 पे आता है Lightroom, सेकंड नंबर पे आता है गूगल का Snapseed ऐप और तीसरे नंबर पर आता है PicsArt। इन तीनों ही ऐप्स की डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लेके आ जाऊंगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब मैं वो वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।